और माफी गांव के कोटेदार संजय ने देशराज को दिया जान से मारने की धमकी। आपको बता दें कि सलोन के राजापुर माफी गांव में कोटेदार के पास लोग राशन लेने जाते हैं तो कोटेदार उन्हें कम राशन देता है और अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो वो उसे जान से मारने की भी धमकी देते हैं। वही गाँव में सभी लोग कोटेदार की चमक कई से परेशान है। लोगों ने कई जगह पर उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई पर गाँव वालों की कहीं न चली। वही कोई भी नहीं हुआ गरीबों का मददगार और कहीं भी सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि जब उसकी चमक गई ज्यादा हो गई तो लोगों ने 100 पे शिकायत किया। जब पुलिस वालों ने कोटेदार से पूछा कि राशन कम क्यों देते हो तो कोटेदार कहता है कि हमें ऊपर से आदेश है। और फिर जब कोटेदार से पूछा जाता है कि किसने आदेश दिया तो कोटेदार ने सप्लाई इंस्पेक्टर का नंबर दिया, जिसमें बात करने के बाद यह पता चला कि सप्लाई इंस्पेक्टर ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया और उसने कहा कि हम लोग यहां से पूरा राशन देते हैं, अगर कोटेदार कम राशन देता है तो वो खुद जिम्मेदार है। कोटेदार की तबाही की वजह से पूरा गाँव परेशान है। कई राशन कम मिलने की वजह से लोग अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पाते। चार कप निकालते हैं और तीन यूनिट देते हैं। हाँ, तीन देते हैं। और बताइए आप ये है कि हमारे का हमको 30 किलो मिलना चाहिए, हमको अगर 30 किलो नहीं मिलता 8 किलो चावल देते हैं और 10 किलो गेहूँ। 8 किलो चावल देते हैं 10 किलो गेहूँ। हाँ, बाकी सब क्या करते हैं? हम 6 जने हैं, 6 पर हमारे परिवार में जो हमको मिलना चाहिए 30 किलो, हमारे कार्ड पर है 30 किलो, 30 किलो नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि जाइए कहीं जाइए। बाकी क्या करते हो? जो बचा के रखते हैं अपने लिए रखते हैं? वो अपने लिए रखते हैं। ये है सब यही समस्या है। आइए सब लोग और इधर आइए। जिसका जिसका कर रहे थे कि अपने लिए किसका जब सबसे ज्यादा काट रहे, किसका काट रहे? सब कभी कहा तो कहते हैं कि जाइए आप चाहे जाओ चाहे हमारे तुम्हारा कोई नहीं है। कौन बुरा हो गया? हां पहले बना था, नाम कट गया तो उसके लिए अप्लाई किया गया तो क्या हुआ? राशन कार्ड बना नहीं ना। ये राजापुर माफी की जनता है। यहाँ पर इन लोगों का आरोप है कि कोटेदार इनका जो है राशन काट लेता है। 7 यूनिट होता है तो उसमें 4 यूनिट देता है, 3 यूनिट काट लेता है। 9 यूनिट होता है तो 4 यूनिट काट लेता है। और जब उससे ये कहते हैं कि राशन मुझे कम क्यों मिल रहा है तो ये लोग वो लोग जिनसे जो दबंगई दिखाते हैं, जो यहाँ के कोटेदार हैं वो दबंगई दिखाते हैं, इन लोगों का पूरा राशन नहीं देते हैं। और ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इसी की कंप्लेन करने के लिए। थाने में इसकी जो है कंप्लेन भी दे दी गई है। अभी जो हमारे साथ यहाँ पे खड़े थे, क्या नाम था आपका? देशराज साहू। देशराज साहू जी, इनको जान से मारने की धमकी भी दी गई है। बताइए क्या कहता है? जान से धमकी नहीं दी लोग हम हमारे किसने, किसने आपको जान से मारने की धमकी दी? कोटेदार ने? हाँ, कोटेदार ने, संजय और उनके भाई पप्पू। संजय और उनके भाई पप्पू ने? हाँ, आपको जान से मारने की धमकी दी जी। हमारे घर भर का बहुत खतरा तेजी के साथ है तो इसके लिए एक एप्लीकेशन आप बनवा के थाने में दे दीजिए। हाँ, दे दीजिए। कल पहुँच गया कोतवाल के पास। नाम बताइए अपना? फरीदा। फरीदा, क्या समस्या है? हमारा 4 यूनिट हो गया, 2 यूनिट मिला तो 2 नहीं मिलता। 4 यूनिट है, 2 यूनिट मिलता, 2 यूनिट नहीं मिलता। हाँ, बिल आता नहीं काटता है। नाम बताइए। कोटेदार। कोटेदार का क्या नाम है? संजय। संजय, हाँ, उससे आपने शिकायत किया? मना कई बार मना किया है? कहाँ मना करें भैया, कहीं जब कोर्ट जाओ, भैया कोर्ट जाओ, जहाँ जाओ। अरे जब आपको 4 यूनिट निकालता है, 2 यूनिट देता है तो 2 यूनिट वो अपने पास रखता है। 2 यूनिट के लिए आपने उससे कभी कहा कि आप कहाँ कोर्ट जाओ? कहीं जाओ, कोर्ट जाओ, कहीं जाओ, कोर्ट जाओ, कहीं जाओ, बताओ। सात लोग हैं, 5 लोग जाओ। अरे जब आपको 4 यूनिट निकालता है, 2 यूनिट देता है तो 2 यूनिट वो अपने पास रखता है। 2 यूनिट के लिए आपने उससे कभी कहा कि आप कहाँ कोर्ट जाओ? आप नाम बताइए। पुष्पा। सात लोग हैं, 5 लोगों का मिलता है और 2 लोगों का नहीं मिलता। आप बताओ। यहाँ सभी का जो है राशन काटा जाता है, किसी को पूरा राशन नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए। आप रानी बताइए। 5 यूनिट है, 1 यूनिट नहीं देते। 5 यूनिट है, 1 यूनिट नहीं देते। 4 यूनिट है। सभी की समस्या है, सभी को राशन नहीं मिल रहा है। बताना चाहेंगे कि इसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मसला है
राजापुर माफी सलून देहात का, यहाँ के कोटेदार की दबंगई की वजह से लोगों को नहीं मिल पा रहा है पूरा राशन, जिसके वजह से ये लोग एक टाइम का खाना खा पाते हैं और उसके बाद खाना नहीं खा पाते। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट, सलून रायबरेली। नाम बताइए अपना। देश राज साहू। क्या परेशानी? परेशानी यह है कि हम हमारे पत्नी लक्ष्मी देवी यानी कि दोनों जने राशन को गए तो वहाँ पर जो है 9 इनुक हमारा था, 9 में जो है 6 का दिया, 3 को काट लिया और कहा कि हमका आगे से मालवा देश है। 9 में 6 यूनिट दिया, 3 यूनिट काट लिया। काट लिया। उसके बाद में हमने 100 नंबर पर फोन लगाया, वहाँ से 100 नंबर वाले पुलिस वाले आए, वहाँ पर आए तो फिर संजय से पूछ लिया, कहन की यह बताओ आप 9 यूनिट है और 6 के दियो 3 के काट लिए, तुम्हें कौन आदेश दिया? कहन के हमका सप्लाई इंस्पेक्टर ने दिया आदेश। सप्लाई इंस्पेक्टर ने आदेश दिया था कि 9 यूनिट निकले तो 6 यूनिट दो और 3 यूनिट काट लो। फिर उसके बाद में सप्लाई इंस्पेक्टर के जो है मोबाइल नंबर मांगिन पुलिस वाले और मांग के फिर फोन करें इंस्पेक्टर के पास तो कहन के नहीं यहाँ से राशन खुल जाता है जितने यूनिट का रहता है यानी खुल जाता है, अब वो दे न दे वो कोटेदार जाने। सप्लाई इंस्पेक्टर ने भी जो है सबको जानकारी दे दी है कि यहाँ से सारा राशन जाता है वो आपको नहीं देते, ये उसकी गलती है। और उसके बाद में पुलिस चली जाने के बाद जो है संजय से हमसे बहुत बहस भय, उनके भाई पप्पू से, उसने कहा कि तुमको गोली से मार दे भाई, मतलब उन्होंने आपको जान से मारने की धमकी भी दी। हाँ, तो उसके बाद में पुलिस जब रहम हो के तो कहन के ऐसा है कि आप कोतवाल का एप्लीकेशन जो है पहुंचा दियो। तो थाने में आपने दिया एप्लीकेशन? हाँ, दे दिया, कुछ सुनवाई नहीं भाई, यानी कल अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कुछ नहीं, कल के डेट में कल आपने दिया जी। आप बताइए क्या समस्या है? अरे समस्या का वही है कि जो है मैं 3 लड़कन का नाम नहीं चढ़ा है। 3 का नाम नहीं चढ़ा है? नहीं, बिटिया एक नहीं, 3 है, मैंने 3 लड़के 3 महीने का मेरा। और कितने लोगों का राशन नहीं? सदस्य किसने है? सदस्य चार है, 3 मिलता है, मतलब 4 का निकालते हैं और 3 यूनिट देते हैं। हाँ, 3 देते हैं। और बताइए आप, ये है कि हमारे का हमको 30 किलो मिलना चाहिए, हमको कहा 30 किलो नहीं मिलता, 8 किलो चावल देते हैं और 10 किलो गेहूँ। 8 किलो चावल देते हैं, 10 किलो गेहूँ। हाँ, बाकी सब क्या करते हैं? हम 6 जने हैं, 6 पर हमारे परिवार में जो हमको मिलना चाहिए 30 किलो, हमारे कार्ड पर है 30 किलो, 30 किलो नहीं देते हैं, आप कहते हैं कि जाइए कहीं जाइए। बाकी क्या करते हो? जो बचा के रखते हैं अपने लिए रखते हैं? वो अपने लिए रखते हैं, ये है सब की यही समस्या है। आइए सब लोग और इधर आइए, जिसका जिसका नहीं कर रहे थे कि अपने लिए किसका जब सबसे ज्यादा काट रहे, किसका काट रहे? कभी कहा तो कहते हैं कि जाइए आप कहां जाइए, हमारा तुम्हारा कोई नहीं है, कौन बुरा हो गया धुन धुन का बस। हां, कौन बना रहे पहले बना था, नाम कट गया तो उसके लिए अप्लाई किया गया, तो क्या हुआ? राशन कार्ड बना नहीं ना, उनका नाम तो बना रहा है, 6 महीने हो गए। ये राजापुर माफी की जनता है, यहाँ पर इन लोगों का आरोप है कि कोटेदार इनका जो है राशन काट लेता है, 7 यूनिट होता है तो उसमें 4 यूनिट देता है, 3 यूनिट काट लेता है, 9 यूनिट होता है तो 4 यूनिट काट लेता है, और जब उससे ये कहते हैं कि राशन मुझे कम क्यों मिल रहा है तो ये वो लोग जिनसे जो दबंगई दिखाते हैं, जो यहाँ के कोटेदार हैं वो दबंगई दिखाते हैं, इन लोगों को पूरा राशन नहीं देते हैं और ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इसी की कंप्लेन करने के लिए। थाने में इसकी जो है कंप्लेन भी दे दी गई है। अभी जो हमारे साथ यहाँ पे खड़े थे, क्या नाम था आपका? देशराज साहू। देशराज साहू जी, इनको जान से मारने की धमकी भी दी गई है, बताइए क्या कहता है? जान से धमकी लोग हम हमारे किसने, किसने आपको जान से मारने की धमकी दी? कोटेदार ने? हाँ, कोटेदार ने, संजय और उनके भाई पप्पू, संजय और उनके भाई पप्पू ने। हाँ, आपको जान से मारने की धमकी दी जी? हमारे घर भर का बहुत खतरा तेजी के साथ है, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन आप बनवा के थाने में दे दीजिए। हाँ, दे दीजिए, कल पहुँच गया कोतवाल के पास। बताइए अपना। फरीदा। क्या समस्या है? हमारा 4 यूनिट हुआ है, 2 यूनिट मिला तो 2 नहीं मिला। 4 यूनिट है, 2 यूनिट मिलता है, 2 यूनिट नहीं मिलता। हाँ, 2 लाख नहीं काटता है। नाम बताइए। कोटेदार। कोटेदार का क्या नाम है? संजय। संजय। हाँ,
उससे आपने शिकायत किया, मना कई बार मना किया है? मना करें भैया, अरे जब आपको चार यूनिट निकालता है, दो यूनिट देता है तो दो यूनिट वो अपने पास रखता है। दो यूनिट के लिए आपने उससे कभी कहा कि आप कहाँ काट कहाँ जाओ जाओ बताओ बताओ सात लोग हैं, पांच लोगों का मिलता है और दो लोगों का नहीं मिलता है, आप बताओ। यहाँ सभी का जो है राशन काटा जाता है, किसी को पूरा राशन नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए, आप रानी बताइए, पाँच यूनिट है, एक यूनिट नहीं है, चार यूनिट है, सभी की समस्या है, बताना चाहेंगे कि इसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मसला है राजापुर माफी सलून देहात का, यहाँ के कोटेदार की दबंगई की वजह से लोगों को नहीं मिल पा रहा है पूरा राशन, जिसकी वजह से ये लोग एक टाइम का खाना खा पाते हैं और उसके बाद खाना नहीं खा पाते। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट सलून रायबरेली। आशीष कुमार की रिपोर्ट सलून रायबरेली।